हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट माय सेल्फ परवीन भारद्वाज पीजीटी मैथ्स इन सूर स्कूल रेवाड़ी डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन वन टू ओपन इंटरवल वन टू टू सोल्यूशन लेट एफ एक्स इज इक्वल बेट एफ, तो बेटा एफ डैश एक्स आउट आउट डिफरेंशिएशन पॉइंट आउट करते विद नेक्स्ट हैं वन से ग्रेटर देन होनी चाहिए और लेस देन टू होनी चाहिए ठीक है ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं x की अब देखिए टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत सारे तो टू टू एक्स और फोर क्लियर अब कर देते हैं इधर भी इधर भी और इधर भी कंप्लीटली देखिए अब ये F x हो गया बेटा ध्यान से देखिए इसको ये क्या बन गया टू प्लस ए से greater than हो गया F x और किससे हो फोर प्लस ए से ठीक है फोर एफ एक्स टू बी इंक्रीज एफ कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब होता है बेटा जब उसके डिफ्रेंसियन की वैल्यू ग्रेटर टू जीरो हो ठीक है या तो जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो बेटा अब एफ डैश एक्स ग्रेटर टू जीरो वैल्यू टू प्लस ए देखिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू जीरो क्लियर देन ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू तो लिस्ट वैल्यू क्या आ गई कि? यहां से शोल किया आपने तो लिस्ट वैल्यू क्या आ गई माइनस टू क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इंडिकेट द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स कोस एक्स और एक्स की वैल्यू कहां से कहा तक इंटरवल हैीरो से ग्रेटर टू होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू तो टू पाई स्ट्रिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ठीक है बेटा इंटरवल बताना है कि कोसेक्स जो है वो जीरो से टू पाई के इंटरवल में कहा से कहा तक तो इंक्रीज होगा कहां से कहा तक डिक्रीज होगा एट फर्स्ट सोल्यूशन आउट किया जो एफ डेक्स है वो माइनस साइन एक्स आया आपके पास नाउ साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर जीरो टू पाई बेटा साइन एक्स जो है वो देखिए क्वाड्रेंट बनाते हैं हम ये देखिए ये जीरो पाई बाई टू और ये पाई क्लियर है तो साइन एक्स जो है वो जीरो से पाई क्या होता है देखो फर्स्ट क्वारेंट और सेकंड क्वार में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो जीरो और पाई के बीच में क्या होगा बेटा देखो ये इंटरवल है एक्स की वैल्यू जीरो और पाई के बीच में देखिए जीरो और पाई के बीच में देखो फर्स्ट और सेकंड क्वार कंप्लीट आ गई इसमें ठीक है तो सेकंड और फर्स्ट क्वारेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन साइन एक्स ये तो पॉजिटिव हो गया लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है नेगेटिव देन एफ डैस एक्स माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव बेटा देखो साइन एक्स तो पॉजिटिव आ गया लेकिन डिफरेंशिएशन में माइनस और है इसमें देखिए ये तो अब क्या आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई इस क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जीरो से पाई के बीच में क्या आई बेटा नेगेटिव वैल्यू आई ठीक है वैसे क्वार भी आप चेक करें तो साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव होता है बट ये मैं नेगेटिव क्यों बता रहा हूं क्योंकि एफ डैश एक्स देखिए इसमें माइनस साइन एक्स है साइन एक्स तो पॉजिटिव आएगा बट माइनस लगा हुआ बेटा इधर तो ये क्या करेगा इसको नेगेटिव कर देगा इसलिए एफ डैस एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो से की वैल्यू आप देख पा रहे हैं नेगेटिव है किस इंटरवल में एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो से पाई के बीच मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आने का मतलब बेटा ये एफ एक्सट्रिकली डिक्रीज प्रूव हो गया किस इंटरवल में जीरो टू पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं थ्री पाई बाई टू लेते हैं बेटा ये और ये टू पाई ठीक है अब थर्ड और फोर्थ क्वारेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव और ये एफ नेगेटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो इन में ये क्या हो गया बेटा साइन पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए पाई से टू पाई पाई से टू पाई तो पाई से टू पाई के बीच में क्या हो गया बेटा ये एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई अब पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए क्या हो गया बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ठीक है बेटा पाई से टू पाई इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल पाई से टू पाई के बीच में क्या हो गया बेटा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ठीक है, यस, पता चल गया होगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इज टू साइन एक्सटिकली डिक्रीजिंग एज इट इज बेटा ऑन इंटरवल पाई बाई टू से पाई ठीक है इस इंटरवल तो के लिए पूछा है इसनेवलिएफ डाइंड आउट करो एफ एक्स इज टू क्या है साइन एक्स तो एफ डेक्स क्या आएगा कोस एक्स अब कोस एक्स बेटा देखिए इंटरवल क्या है पाई बाई टू से पाई पाई बाई टू से पाई के बीच में कोई भी एक भी करके देख लीजिए इसमें ठीक है जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव या मैं यू कह सकता हूं हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव एफ डेक्स क्या आने का मतलब ये बेटा किस इंटरवल के लिए पाई बाई टू से पाई के बीच में यही है बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट इसका था ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सोल्व करवाएंगे बेटा यस डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉक साइन एक्स इज स्ट्रिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू बेटा ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज साइन टू लोग हमें प्रूव करना है कि जीरो से पाई बाई टू के इंटरवल में ये क्या होता है स्टिकली इंक्रीज होता है और पाई बाई टू से पाई के इंटरवल में ये स्टिकली डिक्रीज होता है प्रूव करते हैं बेटा देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू लोक साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉक साइन एक्स का बेटा वन बाई साइन एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोश एक्स

ठीक है अब इस इंटरवल में आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है ये चेक करना हमें ठीक है तो इस इंटरवल में देखो कौन कौन से ये फंक्शन वन बाय टू तो पॉजिटिव है ही आप कोस डिसाइड करेगा देखिए कोस की वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है देखिए फर्स्ट क्वारेंट और फोर्थ क्वारेंट में कोस क्या होता है बेटा पॉजिटिव तो ये वैल्यू तो एक्स की सभी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू रख लीजिए फर्स्ट क्वारेंट की कोई वैल्यू और फोर्थ क्वारेंट की कोई वैल्यू रखोगे एक्स के प्लेस पे तो कोस एक्स का जो रिजल्ट आएगा ठीक है एक्स की वैल्यू रखने के बाद तो वो पॉजिटिव आएगा वन बाई टू में बेटा पॉजिटिव रिजल्ट जोड़ोगे तो क्या आएगा रिजल्ट पॉजिटिव इट मीन हम कह सकते हैं कि माइनस फाइव बाई थ्री से प्लस फाइव बाई थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो ठीक है तो जो जो फंक्शन है आपके पास वो क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज आएगा क्योंकि एफ डैश एक्स में एक्स के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए बेटा एफ डैश एक्स में रखनी बेटा एफ एक्स में नहीं एफ डैश एक्स में प्लस फाइव बाई थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आप रिजल्ट आएगा पॉजिटिव ठीक है बेटा क्लियर तो ये माइनस फाइव बाई थ्री से प्लस फाइव बाई थ्री के बीच ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया स्ट्रिकली इंक्रीज हो गया ठीक है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डिटरमाइन द द इंटरवल इन इज स्ट्रिकली इंक्रीज और स्ट्रिकली डिक्रीज यस इंटरवल क्या है बेटा जीरो से टू पाई हमें बताना है कि जीरो से टू पाई के बीच में ये जो फंक्शन है कहा किस इंटरवल में इंक्रीज होगा किस इंटरवल में डिक्रीज होगा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ध्यान से देखिए एक बार ठीक है बहुत सिंपलेस्ट वे से समझा रहे में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सबसे पहले इसका क्या करते हैं डिफ्रेंसियन साइन एक्स का डिफ्रेंसियन क्या होता है का क्या होता है बेटा माइनस का साइन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस हो जाएगा ठीक है एफ डाइस एक्स को जीरो काफ एक्स को जीरो जाएगा बेटा माइनस का साइन कोश एक्स देखिए साइन एक्स को इधर रखते हैं कोश एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा क्या करते हैं कोस डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड इसको कोस डिवाइड करेंगे तो कोस बाई साइन क्या हो गया टेन और कोस कोस डिवाइड करेंगे तो बेटा वन रह गया, था, 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 गया। ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस बना गया ठीक है अब टेन एक्स इज इक्वल टू वन को क्या लिख ले बेटा माइनस ये एज इट इज और इस वन की प्लेस पे टेन फाइव बाई फोर रख लेते हैं ठीक है अब ये बाहर माइनस से तो एंगल में चला जाएगा ये माइनस ठीक है अब ये देखिए ये फॉर्मूला यूज में आएगा बेटा देखिए टेन से टेन कैंसिल मत कर देना ना ये यूज में आएगा बेटा देखो जो फॉर्मूला होता है ना वो यूज में आएगा बेटा देखिए टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई टेन तो क्या फॉर्मूला होता है आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10Y हो, तो और जो है है। वो इंटीजर इंटीजर बेटा क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए ऐसे पॉजिटिव इंफिनिटी तक और इंफिनिटी इन्फिनिटी ऐसे चलते चले जाते हैं ठीक है तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए बेटा इसके ऊपर डिपेंड है प्लस वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर देखिए बेटा एज इटीजीज को फॉलो करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन पाई प्लस माइनस पाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा देखिए ध्यान से पाई पाई माइनस ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई क्लियर है या प्लस होता तो या पॉजिटिव आ जाता नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया ठीक है अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यस yes. एन के प्लेस पे जीरो रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में एन इंटीजर है बेटा इंटीजर जीरो शुरू होते है, तो मैं जीरो पुट कर रहा हूं इसमें के प्लेस पे तो जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट ये तो के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे जीरो माइनस फाइव बाई फोर आया लास्ट रिजल्ट क्या है माइनस फाइव बाई फोर अब जो ये रिजल्ट आता है माइनस फाइव बाई फोर ये चेक कीजिए क्या ये जीरो से टू पाई के बीच में आता है कि नहीं आता है ये जीरो से टू पाई के बीच में नहीं आता है इसलिए इसको नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई नेक्स्ट रिजल्ट के प्लेस पे बेटा जीरो के बाद वन रख लेते हैं वन रखेंगे यहां तो पाई हो गया पाई माइनस पाई फोर पाई माइनस पाइव बाई फोर एलसी में फोर पाई माइनस अब ये देखिए ये थ्री पाई भाई भाई फोर, जीरो से पाई से के बीच में आता है पाई फोर, टू जीरो तू, तू पाई बिलोंग्स टू टू ठीक है बेटा ये टू पाई है क्लियर करना टू पाई है ठीक है अब एन के प्लेस पे बेटा माइनस वन रख लेते हैं एक बार ये वन पुट किया एक बार माइनस वन पुट करो माइनस वन पुट करते हैं एन के प्लेस पे तो माइनस पाई माइनस पाई बाई फोर शोल करते हैं माइनस पाइव फाइव पाई बाई फोर ये जीरो से टू पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है बेटा ठीक है इसका मतलब क्या समझे ये भी रिजल्ट एक्स से बिलोंग नहीं करेगा एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती नेक्स्ट देखिए आगे पुट एन इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स के प्लेस पे एन के प्लेस पे बेटा टू रख देते हैं ठीक है तो टू पाई माइनस फाइव बाई फोर एट पाई माइनस पाई बाई फोर बेटा ये जीरो से टू पाई के बीच में आएगा ठीक है ये एक्स की वैल्यू देखिए पुट एक्स इज टू माइनस टू पुट करते हैं तो minus 8, minus 1, 9 4, तो ये जो वैल्यू आई ये जीरो से टू पाई के बीच में नहीं आएगी ठीक है जीरो से टू पाई के बीच में नहीं आएगी तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या वैलिड हुई वो देखिए एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर ठीक है बेटा और जीरो टू पाई तो इंक्लूड है ही देखिए तो इंटरवल बनाते हैं जीरो से टू पाई के बीच में पहले थ्री पाई बाई फोर फिर सेवन पाई बाई फोर ठीक है अब जीरो से थ्री फाइव बाई फोर के बीच में कोई भी एक वैल्यू बेटा देखो किसी भी इंटरवल को कैसे बताते हैं कि ये इंटरवल इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज होगा कि ये इस इंटरवल के बीच में फंक्शन डिक्रीज होगा उस इंटरवल के बीच में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं वो एपडेक्स में रख देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं जीरो से थ्री फाइव बाई फोर के बीच में बेटा एक वैल्यू फाइव बाई टू लेता हूं ठीक है ये जीरो से थ्री फाइव बाई फोर के बीच में आती है इस इंटरवल को चेक करना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ठीक है पॉजिटिव आए तो इंक्रीज नेगेटिव आए तो डिक्रीज बेटा अब एफ डेक्स में एक्स के प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूं हूँ एफ तो डेस एक्स आया था देखिए एक बार ध्यान से साइन एक्स प्लस एक्स था बेटा एफ डेस एक्स उसमें एक्स के प्लेस पे पाई वाई टू रख रहा हूं मैं साइन पाई बाई टू वन और कोस पाई बाई टू जीरो ठीक है तो ये पॉजिटिव आ गया रिजल्ट क्या है बेटा पॉजिटिव अब रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब ये क्या आ गया इंक्रीज आ गया ठीक है जीरो तो से थ्री फाइव बाई फोर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज तो बताओ कहां से कहां तक इंक्रीज कहां से कहां तक डिक्रीज हुआ ये फंक्शन जीरो से थ्री फाइव बाई फोर के लिए इंक्रीज और सेवन फाइव बाई फोर से टू फाइव के बीच में इंक्रीज डिक्रीज थ्री फाइव बाई फोर सेवन फाइव बाई फोर बिल्कुल इजी है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसको ध्यान से देख करके करना अच्छे से क्लियर है हो गया जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है देखिए एक बार ध्यान से शो दैट एफेक्स इज टू कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस को सेक्स इज स्ट्रिक्टली

इसके बीच में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए तो मैं फाइव बाई स रख लेते हैं ठीक है रखने के बाद नीचे का तो पॉजिटिव आएगा बेटा क्योंकि है देखो और ये प्लस वन है तो नीचे का तो पॉजिटिव आएगा ऊपर वाला डिसाइड करेगा देखो ये कॉस फाइव बाई माइनस में फाइव बाई है नेगेटिव तो इसका मतलब क्या हुआ फंक्शन डिक्रीज हो गया किस इंटरवल के लिए जीरो टू फाइव बाई फोर के लिए ठीक है बेटा ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट